अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त भाई खैर करिए इस वक्त फिट होंगे। ले जी, 50,000 रुपये का एक और फ्रॉड जो है वो पकड़ा गया, ठीक है। उसकी भाई की वॉइस भी है मेरे पास, ठीक है, और वो जो वीडियो मैंने बनाई थी तो उस वीडियो की हेल्प की वजह से थोड़ा सा भाई का बचत होगी। 10 जोड़े उस भाई ने दिए थे, 10 जोड़े 50,000 रुपये के, तो 10 जोड़े भाई मुझे समझ नहीं आती। और उस दिन मैं मंडी में भी मुलाकात हुई थी एक भाई के साथ, तो उन्होंने भी बताया था कि यार एक बंदे को 36,000 रुपये का फ्रॉड हुआ। और देखें, बेसिकली हम लोग वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूबर्स हैं हम, वीडियो बना के लगा देते हैं। और उसके अलावा ये जो स्कैमर हैं ये टारगेट करते हैं जो फेसबुक वगैरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी हैं इनको टारगेट करते हैं, जैसे कि ओवरलैक्स हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, और जितने भी प्लेटफॉर्म हैं इस तरह के, तो इस तरह की एक स्लिप जो उनसी है वो सेंड करते हैं। ये अब ये मेरे हाथ में स्लिप है, ये मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि पिछली वीडियो पे भी स्ट्राइक आ गई थी और वीडियो जो उनसी है वो डिलीट हो गई थी, ठीक है। तो ये इस तरह की एक स्लिप सेंड होती है जो कि आपकी आईडी कार्ड पर सेंड होती है। तो ये भाई की तरह वॉइस सुने पहले, बाकी की जो उनसी है ना वो बातचीत बाद में करते हैं। तो ये ज़रा मैं करीब ले आऊँ अपने, ये देखें, ये सुने जी। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है, सब खैरियत है। मैं ना हाफिज़ फिलहाल बात कर रहा हूँ भाई। मैंने वो कमेंट भी किया था आपने कल, वो जो लगाई थी ना वीडियो, आज भी लगाई है वो वीडियो फ्रॉड वाली। ये पर्ची थी जो मुझे भी सेंड की गई है, ठीक है। अभी वो इतना बेगैरत खबीस किस्म का आदमी है, अभी वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा मेरा, ना मतलब कॉल का उठा रहा है ना मैसेज का जवाब दे रहा है, ठीक है। नहीं तो बार बार यही कह रहा कही जा रहा था कि बस यार मुझे ना कबूतर भेज दो, कबूतर भेज दो, कबूतर भेज दो, आप कबूतर भेज दो। इनका जो सबसे बड़ा सीन है ना वो भाई ये है कि ये जो होते हैं ना फ्रॉडिये, ये जल्दी मचाते हैं, ठीक है, कि जी हमें जल्द से जल्द कबूतर लगवा दें, हमने आपके आईडी कार्ड पर पैसे सेंड कर दिए हैं। अब मुझे भी एक फ़ोन आया था, अमेरिका के नंबर से फ़ोन आया था और वो कोई पाकिस्तानी था जी, उसको भी बहुत ज़ोर से कबूतर आए हुए थे, वो मैंने जिक्र भी किया था। बहरहाल वो वीडियो डिलीट हो गई। एक कोई मेल आई थी मुझे, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो सबसे पहला टारगेट ये याद रखिएगा कि ये होता है इनका कि जल्दी मचाते हैं भाई, जल्दी ज़ोर से कबूतर आए हुए हैं, आप बस हमें कबूतर आप सेंड कर दें, भेज दें किसी तरीके से, हमारा बंदा खड़ा हुआ है वो जी स्टेशन पे खड़ा हुआ है, बस आप जल्दी जल्दी भेजें। अब आगे सुने, वो तो कसम अल्लाह की कल मैंने सुबह कबूतर भेज देने थे, बल्कि सॉरी आज सुबह मैंने कबूतर भेज देने थे। वो तो बस जैसे अल्लाह ने बचाना होता है कि बंदे के नीयत साफ हो तो अल्लाह बचाता है फिर। तो मैं अचानक ही मतलब ना मैंने यूट्यूब खोली है तो आपकी वीडियो मेरे सामने आ गई। जब मैंने आपके हाथ में वो पर्ची देखी है तो मुझे फिर शक हो गई, शक मुझे पहले भी थी। मैंने फिर उस बंदे को साफ बोला, मैंने कहा बोला भाई सोमवार को पैसे निकलेंगे मेरे हाथ में आएंगे तो फिर मैं आपको कबूतर भेजूँगा। आज सुबह उसने फिर मुझसे रब्ता किया, कबूतर भेज दो। मैंने कहा भाई ऐसे नहीं भेजूँगा। कह रहा कि आप झूठे हो, आप ये हो। मैंने कहा मैं कौन सा झूठा हूँ? अच्छा, ये भाई कह रहे हैं कि जी आप झूठे हैं, ठीक है। अब अगले बंदे को भी झुटला देना है कि भाई आप झूठे हैं, आप फ्रॉडी हैं, और जो फ्रॉड कर रहा है वो सच्चा है। तो इन लोगों से बच के रहें, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जितने मेरे भाई वीडियोस देख रहे हैं, ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, दोस्तों से शेयर करें ताकि किसी ना किसी की बचत हो। अब ये देखें, मैं वाहिद बंदा हूँ, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा मैं पढ़ाई नहीं बयान कर रहा, मैं वाहिद बंदा था जिसने ये पहला स्टेप लिया, ठीक है, वीडियो बनाई ताकि जो दोस्त भाई बच सकता है ना वो बचे। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जितने भी कबूतर भाई कबूतरबाज जो भाई हैं उनके साथ शेयर करें, क्योंकि हर बंदे जिसने भी कबूतर रखे हुए ना उसका सेल ज़रूर करता है वो बंदा कबूतर, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, एहतियात है। स्लिप इधर मेरे पास भी है, भाई ने सेंड की है, जो मेरे पास ये स्लिप पड़ी हुई है वो उड़ के चली गई है पीछे। इसी तरह की एक स्लिप ये भाई ने मुझे सेंड की थी और वो भी मैं अभी दिखा देता हूँ, लेकिन ब्लर सी करके दिखाऊँगा ताकि कोई इशू ना बने। ये ठीक है, कल तक आप वेट करो, अभी वो कॉल भी नहीं उठा रहा ना मैसेज का जवाब दे रहा है। आपकी बड़ी मेहरबानी यार, आपने वो शेयर कर दिया, नहीं तो मैंने आज कबूतर भेज देने थे उस बंदे को। ये 50,000 का मतलब 16 जोड़े थे, सॉरी 10 जोड़े थे, 20 कबूतर, ठीक है जी,
50,000 रुपए के उसको दिए थे, तो नहीं तो 50,000 के ठुक जाने थे फिर हमें। आप अंदाज़ा लगाएं कि 50,000 रुपए की ये भाई को ठुक जानी थी। यार आप लोग इतना एहसास, कम से कम इतना एहसास करें कि यार अगले बंदे की पता नहीं कितने सालों की मेहनत होती है ये, ठीक है। लेकिन खैर अब जिसने नीयत की होती है ना हराम खाने की, तो वो फिर खा के रहता है। तो अब बस हमारा काम है जो अवेयरनेस है थोड़ी बहुत वो अपने दोस्तों में शेयर करें, और यही टारगेट है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने भाई को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।